दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जो कि 1600 स्क्वायर फीट में मैंने बनाया है। टोटल जगह जो है वो 1600 स्क्वायर फीट है, लेकिन मकान जो बना है लगभग आपका ये 35x35 लगभग 3-3 फीट चारों तरफ छूटा हुआ है, जिसमें कार पार्किंग और आपका पोर्च और पूरा डिजाइन बहुत ही बेहतरीन सा वेंटिलेटेड घर आपका बना है। क्योंकि चारों तरफ मैंने जगह 3-3 फीट छोड़ी है, तो चारों तरफ विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। आपका घर प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट है, मतलब हवा वगैरह आपका प्रॉपर तरीके से जाएगा। फ्रंट एलिवेशन ये है, एक ये मेन डोर है जहाँ से आप कार पार्किंग अपनी ऊपर ले जाएंगे। और ये है, अगर आप कभी मेन डोर ना ओपन करना चाहें, एक साइड डोर दिया है, इससे आप आसानी से सिंगल एंट्री कर सकें। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। 1600 स्क्वायर फीट में है पूरा, जो कि लगभग 35x35 1200 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्स में घर बना हुआ है, जिसमें कार पार्किंग और पोर्च बारंदा सब कुछ इंक्लूड है। तो बने रहिए वीडियो में लगातार। मैं मुकुंद झागलो और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। यदि आपने अभी तक दोस्तों स्मार्ट हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन आता है, जिसमें लाल कलर से लिखा रहता है सब्सक्राइब, तो उस पर आप क्लिक कर देंगे, बगल में एक घंटे का निशान आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो उसे ये होगा भी जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप तक हमारी सूचना पहुंच जाएगी कि स्मॉल हाउस प्लान के द्वारा एक वीडियो डाला गया है, और आप उसे देख करके एक आइडिया ले पाएंगे और अपने घर का नक्शा बनवा पाएंगे। ये बेनिफिट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, उससे आप इसको प्रॉपर तरीके से देख पाए, इसके वेंटिलेशन, इसका रेलिंग, ग्रिल वगैरह जो भी मैंने डिज़ाइन किया है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है, जो आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे। चारों तरफ 40x40 फीट का पहले एक बाउंड्री आप समझ लें, 40 फीट लंबाई, 40 फीट चौड़ाई, ये तो हो गया। इसके बाद जो मकान बना है, 3 फीट राइट हैंड साइड में छूटा है, 3 फीट लेफ्ट हैंड साइड में छूटा है, और 3 फीट ही आपका पीछे छूटा हुआ है, और आगे आपका इस पिलर से इस पिलर तक 3 फीट छूटा है। इसके बाद ये आपका पोर्च टाइप का बारंदा बोल सकते हैं वो है, और ये जगह आपका कार पार्किंग का यूटिलाइज किया है। यही पूरा मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बात करें, आपको यहाँ पर 2 डोर मिलते हैं। आप इस वाले इस ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं ये डोर है, यहाँ से एंट्री करें तो आप एक बेडरूम में एंट्री कर जाते हैं। इस बेडरूम के लिए मैंने 2 विंडो दिया, एक फ्रंट से एक साइड से, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहता है आपका। इसके बाद एक डोर ये है, जहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आप इस छोटे से एरिया में आ जाते हैं। इस डोर से एंट्री करने के बाद आप इस वाले बेडरूम में एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ के बाद आप इस वाले बेडरूम में एंट्री कर सकते हैं, ये आपका लेटेंट बाथ है, इसे एंट्री कर सकते हैं। ये आपका किचन एक्सेस कर सकते हैं आप यहाँ से, तो किचन में भी 2 विंडो, एक फ्रंट से और एक साइड से, और इस बेडरूम में भी कॉर्नर पर है क्योंकि, तो इसमें 2 विंडो आपको मिलती हैं, एक साइड से और एक बैक साइड से। तो ओवरऑल अगर पीछे 2 बेडरूम आपको बने, उन दोनों के बीच में एक लेटेंट बाथ कंबाइंड बना है, और दोनों में 2 विंडो दिया है, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे, हवा वगैरह आपकी पास होती रहे। एक गेस्ट रूम जो कि आगे है आपका, जस्ट पोर्च के आगे आपका बना हुआ है, ये आपका गेस्ट रूम है, इसमें भी आपकी यहाँ साइड से एंट्री है, और ये आपका फ्रंट में किचन है, और ये आपका एरिया। यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेयर्स की, तो वो मैंने नहीं बनाई है क्योंकि यहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने उन्हें बोला था। तो आप साइड से कहीं भी स्टेयर से चढ़ा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, या आप इस पोर्च से ही अपना स्टेयर चढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये इसका लास्ट फ्लोर है, जिसमें मैंने 3.5 फीट का चारों तरफ बाउंड्री दी है, और एक ग्रिल कॉर्नर पर मैंने ये देखिए ये स्टाइल एल साइज़ का ग्रिल बनाया है, और साइड की अगर हम बात करें तो ये आपकी रेलिंग बनी हुई है। तो ओवरऑल ये लगभग 35x35 में ओवरऑल घर बनकर रेडी हो जाता है। तो कैसा लगा डिज़ाइन आप हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है अगर आपका, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और साथ साथ अगर आपको किसी भी टाइप का मॉडल बनवाना है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, वो हमारी पेड सर्विस है, इसका विशेष ध्यान रखें, आपको वहाँ पर पैसे देने होंगे तभी वो मॉडल बनाया जाता है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।